मोबाइल देखनी है कि एक लिमिट होती है, पर तुम लोगों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। बेटा मोबाइल थोड़ा कम देखा करो, ऐसा नहीं जिसकी एक लिमिट होती है थोड़ा देखिए ठीक है, पर तुम पूरे दिन मोबाइल में घुसी रहती हो। थोड़ी कॉपी किताबों को भी हाथ लगा लो, कॉपी किताबों को भी, फोन से तुम्हारी जिंदगी नहीं बनेगी। ये कॉपी किताबें है जिनसे तुम्हारी जिंदगी बनेगी, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा फोन, ये कॉपी किताबें आएगी। थोड़ी इनको खोल लो, इनकी शक्ल देख लो, पर नहीं तुम्हें तो तुम लोगों को तो ना कुछ भी कहना मतलब दीवार पे सिर मारने के बराबर है। अभी ना तुम्हारा बाप कमा के ला रहा है इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा। जिस दिन तुम खुद कमा के लाओगे ना उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि पैसों की कीमत क्या होती है। क्या होता है कि हम अभी फोन है ना अब चलाते हो ना, बाद में तुम कहोगे हाँ मम्मी तुम सही कह रही थी, पहले तुम सही कह रही थी, कहाँ सब उस टाइम पढ़ते थे। माँ बाप जो तुम्हें कहती है ना तुम्हारी भलाई के लिए कहती है, अब भी सुधर जाओ बेटा, अब भी संभल जाओ, जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो ऐसे फिरते रहोगे हमारा घर। तुम्हें इस फोन से क्या सीखने को मिलता है पहले मुझे ये बताओ, इस फोन से तुम क्या सीखते हो जो दिन में ऐसे करते रहते हो, उसमें तुम्हें क्या सीखने को मिलता है बताओ मुझे। पढ़ाई लिखाई कर लिया करो बेटा, उससे कुछ तुम्हें नॉलेज तो मिलेगा। हाँ ठीक है मोबाइल ले लिया, अच्छी चीजें देखो जो तुम्हारे काम आए, पर नहीं तुम्हें तो वो देखनी नहीं है ना, तुम्हें तो उससे पूरा का पूरा उल्टा चलना है। जहाँ पे तुम्हें जाके है ना नीचे गिरना ही गिरना है। आगे मास्य बस बाहर घुमा लो इनको, पढ़ना लिखना नहीं, एग्जाम आने वाले हैं, किताब खोल के उसकी शक्ल देख लो बेटा, थोड़ा पढ़ लो, किताब खोल के उसकी थोड़ी शक्ल देख लो। बस उठे बेड पे लेट गए, फोन ले लिया हाथों में और सो गए। बस पूरे दिन यही करते रहते हैं, क्यों काम करने के लिए मम्मी है ना, हमें तो क्या करना है, मम्मी है ना नौकरी नहीं है, वो तो पूरे घर का काम करती रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ठीक ना सोते रहो, नौकर बना के रखा है इस घर में। एक औरों को बच्चों को देखो कितने पढ़े लिख के नौकरी लग चुकी है सबके सब, एक हमारी औलाद है जो सबसे पीछे है, बस पूरे दिन मोबाइल देखती रहेगी। बेटा बन जाओ कुछ लाइफ में, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, जिंदगी बन जाएगी, वरना ऐसी है ना तुम्हें कोई खाना नहीं खिलाने वाला। एक मैं हूँ जो तुम सब लोगों के लिए इतना करती हूँ, कोई दूसरी होती ना तब पता चलता तुम लोगों को, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है मास्टर को, बस मोबाइल। यही उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की, पर नहीं अभी तो इनको मोबाइल चलाना है, बस पूरे दिन सोते रहना है, दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करनी है। बेटा इस उम्र में है ना तुम पढ़ लो, कुछ कर लो और अपना करियर बना लो, यही उम्र होती है, राइट टाइम यही होता है, इस टाइम पे तुम जो करोगे ना वही बड़े होके बनोगे। बेटा हम जो कहते हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, पर नहीं तुम लोगों को तो कुछ सुनना ही नहीं है ना, बस अपनी मनमानी करनी है, कुछ कुछ भी मत करो, तुम करो जो करना है। बेटा हम भी चाहते हैं तुम बड़े होके कुछ बनो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तुम्हें कुछ इसलिए नहीं कहते कि हम तुम्हारे दुश्मन है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए हम तुम्हें इतना सब कुछ कहते हैं, पर तुम लोगों को सुननी नहीं है ना। बेटा एक बार हमारी बात सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम पढ़ लो लिख लो कुछ कर लो, क्यों गलत रास्ते पर चल रहे हो, सही रास्ते पे आ जाओ, सही रास्ते पे। मैंने कहा था तुम्हारे पापा को इनको फोन मत दिलाओ, ये दानों ने राक्षस है राक्षस, नहीं मतलब जब तक फोन ही दिलाया था तब तक कैसे कर रहे थे हमें फोन दिला दो, हमें फोन दिला दो, हम फोन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पढ़ाई के लिए फोन यूज करेंगे। जब से तुम्हें फोन दिला तुम कितने पढ़े हो मुझे बताना जरा, कितना पढ़ा है तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता तुम्हें, मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने फोन में कुछ भी छोड़ा होगा, सब कुछ देख लिया, कुछ छोड़ दो और कुछ किताबों में ध्यान लगा लो बेटा, कुछ किताबें देख लो, कुछ बन जाओ जिंदगी में। बेटा अभी तुम्हें ये बात हमारी समझ नहीं आएगी, जब तुम्हारे ना टाइम आएगा ना तब तुम सोचोगे काश उस दिन मम्मी ने जो बात कही थी वो सुन लेते, काश उस दिन मम्मी ने जो कहा था वो कर लेती, उस दिन पढ़ लेते तो आज ये दिन नहीं देखना होता, पर नहीं बेटा अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, आने दो टाइम, मैं उस दिन पूछूंगी तुम लोगों को। नहीं जब स्कूल की फीस नहीं देती है तो कैसी आती हूँ, कहती हूँ मम्मी स्कूल में बेइज्जती हो रही है हमारी, हमारी फीस नहीं दे रही हूँ, टीचर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, बच्चों को पता चल रहा है हमारी बेइज्जती हो रही है। नहीं तुम जब पूरे दिन घर में फोन चलाती हो तब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती, पूरे दिन फोन देख के खटखट करते हो तब तुम्हारी वो नहीं होती है बेइज्जती, जब स्कूल का नाम आता है फीस की बात आती है तब तुम्हें बहुत जल्दी आ जाती है बेइज्जती हो रही है हमारी, तब तुम्हें पढ़ाई लिखाई सब कुछ याद आ जाती है। कैसे तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहा के पैसे कमाते हैं कि कहीं बच्चों के ने पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आई, लोग बोल ना पाए कि उसका बच्चा है ना पढ़ नहीं लिख पाया, बस पूरे दिन मेहनत करती है, पर तुम लोगों की कदर नहीं है ना, बस तुम्हें तो पैसे वेस्ट करानी होती है, मोबाइल चलाना होता है, उस टाइम तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता, बस फीस की बात आती है हमें फीस चाहिए, और नहीं तो बाकी टाइम तुम्हें पढ़ाई कहाँ याद आएगी, नहीं याद आती है ना, फोन चलाती रहती हो पूरे दिन, फोन चलाती रहती हो, पता नहीं कैसी औलाद पैदा की है। बेटा माँ का समग्र मुझे पता होता ना ऐसी औलाद पैदा होगी तो मैं ना किसी दूसरे का ना बच्चा है ना गोद ले लेती, पर तुम लोगों को पैदा नहीं करती। बचपन में कैसे हम जैसे कहते थे हमारी बात मानते थे, बस अभी नहीं मानती हूँ, बचपन में कहते थे यहाँ पे बैठने तो वहीं पे बैठे रहते थे, मम्मी 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 करते रहते थे, पर अभी जैसे बड़े हो गए हो एकदम खुले हो गए हो, अब जैसा मन करता है वैसा करती हूँ, मम्मी की तो सुननी नहीं है ना अभी। बेटा सुन लो समझ लो, हमारी भी थोड़ी
हमारा भी नाम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा तो कुछ कर लो अपनी जिंदगी में। अच्छा देखो देखो जरा इनकी किताबें धूल मिट्टी जमी हुई है, पर नहीं उठ के एक बार इनको साफ कर ली। नहीं करती ना, अभी भी फोन ही छोड़ रहे ना, फोन देख रहे ना, फौरन रिफ और साफ कर इसको। मजा ले तो एक बार भी इन किताबों को हाथ लगा के इनको साफ कर दे। कर साफ इनको अभी। एक वो हमारे पास वाले पड़ोसी, उनके भी चारों बेटे हैं, चारों के चारों पढ़ाई में होशियार है, चारों के चारों एकदम हमेशा टॉप करती है क्लास में। एक हमारी औलाद है जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके पास फोन ही, उनके पास भी तो फोन है पर वो नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उन्हें अपने मम्मी पापा की परिस्थिति का पता है कि पापा कैसी है ना, पसीना बाबा के पैसे कमाती है और मम्मी कितनी मेहनत करती है। पर एक तुम लोग हो जिनसे आज से मोबाइल भी नहीं छूटता, उनके पास मोबाइल नहीं, उनके पास भी तो मोबाइल है पर वो नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं देखते। उनका भी तो बहुत मन करता है, वो मोबाइल नहीं देखते फिर भी। एक तुम लोग हो जो बेशरम हो चुकी है, बेशरम। बस आई स्कूल से और बैग उल्टा पटक दिया, बस तुम्हें यही है, बैग भी तुम सीधा नहीं रख सकती आती, तुम्हें तो फोन देखने की देरी होती है ना। आई जल्दी से फोन देखे, फोन में क्या आया होगा आज, नहीं आ बैग का तो तुम्हें ध्यान ही नहीं था, किताबें और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। जब भी इनको कहो ना बेटा पढ़ लो तो कहते मम्मी पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। बेटा क्या करोगे तुम्हें, क्या करोगे? मुझे तो लगता है तुम्हारे जैसा सांझ का तुम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, बस एक पढ़ाई लिखाई थी जो तुमसे नहीं हो रही है, तो तुम क्या करोगे आगे जाके, क्या करोगे? पापा तुम्हें कुछ कहते नहीं इसलिए तुम यहाँ पे चढ़ चुके हो यहाँ पे, क्योंकि पापा तो तुम्हें कुछ कहते नहीं। और मम्मी, मम्मी तो, मम्मी का तो क्या है, मम्मी तो पूरे दिन ऐसे बकती रहती है, मम्मी का तो कोई काम ही नहीं है ना, बस पूरे दिन हमें ताने देती रहती है। बेटा मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें ताने देने का, पर तुम कुछ कर लो अपनी लाइफ में, इसलिए मैं कह रही हूँ इसलिए, क्योंकि तुम बाद में जाके तुम मुझे पता है बहुत ज्यादा पछताओगे। अभी टाइम है, तुम सुधर जाओ, ये उम्र है जिसमें तुम सुधर सकते हो अभी भी। कैसे जब पापा कहते हैं बेटा चलो आज अपन शॉपिंग करके आते हैं, तुम्हारे लिए कोई ड्रेस ले आते हैं, तो कैसे दौड़ते होते हो खरगोश की तरह, दौड़ते हुए आते हो, कहते हो हाँ पापा चलो चलो हम चलते फुदकते कितने हो। और जब पापा कहते बेटा पढ़ लो, कैसे शांत होते हो, जैसे इनके मुंह में कोई जबान नहीं है। बेटा जितना तुम है ना शॉपिंग फोन इन सब पे ध्यान देते हो ना, उतना पढ़ाई पे दे देते ना, तो आज तुम सुधर गए होते, आज तुम्हारी लाइफ बन गई होगी, आज तुम्हारी जिंदगी बन गई होती। पर नहीं, तुम्हें तुम्हें हमारे पास सुननी तो है नहीं, जो सही बात कहती है वो तो तुम्हारे कानों तक जाती नहीं है ना। देखो कैसे उल्लू की तरह ऐसे आंखें झपकाई हुई है फोन पे, ऐसे ही अगर एक बार किताब खोल के उसको देख ली ना इतनी बार, तो आंखों में ना नींद आ जाएगी, नींद से ना ऐसे लुटपुट हो जाएगा। पर ऐसे फोन फोन दे दो ना इनको तो पूरे 45 दिन तक ये ना जागरण दे देगा, पर किताब किताब को खोल के नहीं देख सकता ये एक बार भी, बस फोन फोन फोन। उसमें ये बंदूक वाली गेम इनसे खिलवा लो, पूरे घर को ऐसे आतंकवाद बना के रखा है इन्होंने। मैंने सोचा था जब ये औलाद बड़ी होगी तो IAS IPS बनेगी, पर नहीं इनसे ये नहीं होगा ना, अब हमारे घर में आतंकवाद पैदा होगी। क्या सोचा था और क्या होगी, आतंकवाद बन के रह गए है, बस हमें तो जिंदा जी मार दो, तुम कुछ नहीं करने वाले जिंदगी में, बस बर्बाद करके रखा है यहाँ पे चारों तरफ, कुछ बस फोन में लगे रहते हो आतंकवाद की तरह, पूरे ये दिन गेम खेलोगे, बंदूके वाले वो चलाते रहोगे, पूरे घर में ऐसे कर ले। ऐसा ही होता है जब पढ़ने लिखने का टाइम होता है तो पढ़ते नहीं है, और जब पैसे कमाने का यह टाइम आता है तब इनको पढ़ाई याद आती है। अब पढ़ नहीं सकते ना ये, मास्टर को तो बस मोबाइल चलाना होता है, नहीं बाद में बड़े होगे ना तब हमारी ये बातें सारी समझ आएगी, और तब कहोगे हम पढ़ लिए होते उस दिन तो आज हमारी जिंदगी बन गई होती। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी जिंदगी बनानी नहीं है ना, इस टाइम पे तुम्हें अपनी जिंदगी बिगाड़नी है, बिगाड़नी। पता नहीं कैसे कर्म किए होगे जो ये औलाद पैदा हुई। ऐसा नहीं बस सुबह उठते है ना बाहर घूमने जाए, टहलने जाए, बॉडी सोडी बनाई, पर नहीं वो तो हमें करना नहीं है ना। सुबह उठती हमें फोन चाहिए, शाम को सोने से पहले हमें फोन चाहिए, दोपहर को खाना खाते समय हमें फोन चाहिए, शाम को खाना खाते समय हमें फोन चाहिए, बस फोन 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 फोन, बस फोन चाहिए तुम्हें कैसे भी करके। धन्य हो गए हमें ऐसी औलाद पाके। सो हेलो गाइज, तो आज मेरा वीडियो आ चुका है मम्मी पर, सो आप सबने देखा, आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मतलब आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और अपने मम्मी पापा को ज़रूर शेयर करना, और अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के ज़रूर इस वीडियो को देखना, एंड अपने मम्मी पापा को शेयर भी कर सकते हो। मतलब मेरा कॉन्टेंट ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो। जैसे हमें अपनी मम्मी जैसे टोंट मारती है घर में पढ़ाई को लेकर, पढ़ ले, तो मैंने ना मम्मी के सारे डायलॉग मिक्स करके एक वीडियो बनाई है, तो मुझे पता है कि आप सब रिलेट जरूर करोगे। अगर रिलेट करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो पाप लगेगा आप सबको, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो ओके, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।